हेलो गाइस, वेलकम टू ललित पाल ट्रैवल। और अभी मैं हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और आज मैं आया हुआ हूँ पराशर लेक मंडी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और मनाली से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी सुंदर वैली है। सी लेवल से कम 8000 फीट की ऊंचाई पर है। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ। काफ़ी सुंदर वैली है, देखने लायक प्लेस है। हिमाचल प्रदेश का काफ़ी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ऋषि पराशर का स्थान है और यहाँ पर जून में मेला लगता है। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। सरा नावड़ी करके मेला लगता है जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करते हैं और यहाँ पर 12 महीने टूरिस्ट विजिट करते हैं। काफ़ी देखने लायक प्लेस है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका आउटर व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं पराशर लेक को देखते हैं। चलते हैं और देखते हैं पराशर लेक को, नज़ारे को और क्या व्यू है पराशर ऋषि के मंदिर को। यहाँ पर टेंपल बना हुआ है तो उसको भी देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पराशर लेक का नज़ारा। गाइज अभी मनाली में और कुल्लू में काफ़ी बारिश हुई कल रात में, तो सर्दी बढ़ गई है
और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। और अभी हम ऊपर चढ़ के लगभग 8000 फीट की हाइट पर ऊपर आए हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा धूप खिल गया है। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा फॉग था और सुबह तो गाड़ी के बाहर भी देखना मुश्किल हो रहा था, मगर यहाँ पर थोड़ा सा धूप खिली हुई है तो अच्छा लग रहा है। झील पर और ऋषि पराशर के टेंपल पर, तो यहाँ पर पुजारी जी हैं, इनका नाम है, क्या नाम बताया? अमर सिंह। तो इनसे जानते हैं पराशर झील के बारे में और पराशर टेंपल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो सर बताइए इस पराशर झील के बारे में, इस जगह के बारे में और ऋषि पराशर जी के बारे में, ये कितना पुराना टेंपल है, क्या है? खैर ये तो पुराने नए की तो हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। नहीं मतलब आपको तो पता होगा इसका इतिहास। इतिहास के अनुसार 4000 के लगभग, 4000 साल, 4000 साल पुराना लगभग लगभग लगभग, क्योंकि उस वक्त सनिस्वी वगैरह नहीं होती थी ना। हाँ। तो फिर ऐसे बोल रहे हैं कई तेरी शताब्दी में जैसे कलयुग आता तो ऋषि मुनि छुप जाते हैं। तो पराशर का तो ऐसा है कि जैसे गुरु शिष्य से इनकी वंशावली हुई। पराशर के ये वेद व्यास, गुरु शिष्य के शक्ति, ऋषि शक्ति के पराशर, पराशर के वेद व्यास, वेद व्यास के सुखदेव, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, तो वहाँ से आगे महाभारत होता। फिर तो जैसे तपस्या के बाद पराशर ऋषि उठे तो उन्होंने घूमना था, तो उन्होंने गंगा पार भी करनी थी। जैसे मत्स्यागंधा लड़की खड़ी नाव लेके थे गंगा के किनारे, तो पराशर ऋषि ने पार जाना था। तो बोलते हाँ मुझे पार कर लो, बोलते ठीक है मैं कर लेती हूँ पार आपको। जब बीच नदी में पहुँचते तो पराशर ऋषि उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो उनके मुंह की तरफ देखती है कि बोलते मैं पराशर हूँ, मैंने तुझे वेद व्यास नाम का बेटा दे दिया, अत्यंत विद्वान होगा। तो ऋषि जी मुझे मछली की मुश्क भी है। बोलते तथास्तु योजनगंधा सत्यावती नाम रहेगा आज के बाद आपका। तो सत्यावती खुश होकर बोलती है कि ऋषि जी ये तो अच्छा हुआ, लेकिन अब मैं तो कुछ दे नहीं सकती आपको, मैं क्या दूँ? ये आज की यादाश्त कलयुग के अंत तक ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी झील में आपका निवास हो, ऐसी किस्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक। तो तब पराशर ऋषि को ये जगह ढूंढनी पड़ी, कहाँ वो झील बने, कहाँ वो किस्ती बने, पूरे संसार में चक्कर लगाते लगाते इधर पे पहुँचे। तो ये जगह इनको पसंद आ गई। एक पेड़ बहुत सब बड़ा था देवदार का, तो फिर मंदिर बनाने की भी ज़रूरत पड़ी। तो फिर ऋषि जी सोचते हैं कि मंदिर कैसे बनाऊँ,
क्या करें। उतने को एक 6 महीने का बच्चा आता है, फिर उसने मंदिर का निर्माण किया, एक पेड़ था देवदार का उसको काट दिया, तो उस पेड़ में इतनी शक्ति थी कि जैसी आज लकड़ियाँ निकाली कल के लिए फिर उतना होगा पेड़, एक पेड़ की ही लकड़ी लगी इस मंदिर के लिए। तो 6 महीने का बच्चा बनाता रहा, 18 साल लगी बनाते बनाते, तो 18 साल के बाद फिर मंदिर पूरा हो गया। तो बाकी ऋषि जी की कहानी मिलती रहती है हर ग्रंथों में। और इस झील के बारे में बताएं? हाँ, वो झील का वही बताया मैंने। इसमें बताया जाता है कि ये जो बीच में घास है, हाँ, ये वो किस्ती, हाँ, जो सत्यवती ने जो कहा, हाँ, पराशर ऋषि को, ऐसी झील में आपका निवास हो, ऐसी ही किस्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए। हाँ, तो तब ऋषि जी को ये झील बनानी पड़ी। हाँ, क्योंकि सत्यवती का एक वर था इनको। हाँ, तो तब ये किस्ती है, जो टापू है ना, हाँ, मिट्टी का है। हाँ, तो वो किस्ती है। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है कि ये फ्लोट करता है, मतलब घूमता रहता है, चलता रहता है, कभी 4-5 चक्कर लगाता है दिन का, कभी सालों में एक चक्कर भी नहीं, 5-6 साल के बाद भी चक्कर लगाएगा। अच्छा अच्छा, तो ऐसी ऐसी बात है। पानी भी पवित्र है, हमारा पीने का भी यही है, पूजा का भी यही है, हम इसको बहुत पवित्र मानते हैं। ऐसी फेंसिंग कराई ताकि गंदा ना हो जाए। तो आज के लोग थोड़ा समझने रहे बात को ना, गंद फंद कर रहे हैं इधर, तो ऐसा ऐसा है। अच्छा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देखा कि जैसा पुजारी जी ने बताया कि इस पराशर मंदिर, पराशर जी के इस मंदिर में, जो इस मंदिर को बनाया गया है, एक ही पेड़ की लकड़ी से ये पूरा मंदिर बना है। और जो पराशर जी जो थे वो ऋषि थे, और उन्होंने उनको एक वरदान मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने सत्यवती को एक वरदान दिया था। एमआरआई सत्यवती क्या, हाँ, क्या मत्स्य गंधा नाम था उनका। हाँ, माता सेगंधा को एक वचन दिया था कि मैं इस तरह का झील बनवाऊंगा, और उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने ये झील का निर्माण करवाया। और यहाँ पर जो ये फ्लोटिंग पॉइंट देख रहे हैं आप, ये कभी कभी दिन में 1-2 चक्कर इसमें राउंड राउंड, कभी इधर या कभी उधर, ऐसे फ्लोट करता रहता है, और कभी सालों तक नहीं करता है। तो ये एक चमत्कार ही है, जो कि वरदान ही है, जो कि इस प्लेस को मिला हुआ। अभी हम आ चुके हैं पराशर ऋषि जी के टेंपल के अंदर, और अभी ये है अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अंदर का कैंपस है, और यहाँ पर अंदर ऋषि की पूजा चल रही है अभी। तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ अभी।
तो गाइज ये था पारासर लेक, काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है, देखने लायक प्लेस है। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित बल ट्रैवल चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा लें, ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।